सवाल पूछा गया, जब आपकी विलादत हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे लगाए थे, और ये भी बात है कि आपकी विलादत बसआदत जब हुई तो अल्लाह पाक ने उस वक्त सब माओं को औलाद में बेटे अता किए थे आपकी विलादत की खुशी में, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर आप किताब का नाम लेना चाहें कि किस किताब में तस्करा है, तो अहादीस तैयबा में तकरीबन इमाम बुखारी से लेके अबू दाऊद तर्मीज़ी और इब्ने माजा सब ने ये लिखा हुआ है कि हुजूर की विलादत के वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 झंडे लेके आए, और तीनों झंडों का भी तस्करा फरमाया हुआ है, कहाँ कहाँ पर लगाए थे ये भी तस्करा है। अहादीस के अलावा आप सीरत की किसी भी किताब को उठा के देखें, जो हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन की रवायत शुद्दा है, ये तो वो लोग भी मानते हैं कि जो हुजूर के विलादत की खुशी नहीं मनाते, वो लोग भी ये मानते हैं कि जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और 3 झंडे लेके आए थे। रह गई ये बात कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारों को बेटे इनायत फरमाए थे, तो ये भी इमाम जलालुद्दीन सियुती रहमतुल्लाह तआला ने अपनी तारीख़ में लिखा हुआ है। उन्होंने भी अहादीस तैयबा से कि रब कायनात ने उस साल, यानी उस वक्त नहीं उस साल, पूरी साल जितने भी बच्चे पैदा हुए, माँ जितने भी माँ हामिल थी, सबको अल्लाह करीम ने नरीना औलाद इनायत फरमाया। और अगर आप पूछना ये चाहें कि यह सब कुछ हुजूर की खुशी में थी, हाँ, तो ये सब कुछ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की खुशी में थे। अश्शफा में काजी अय्याद रहमतुल्लाह तआला ने भी इसको लिखा हुआ है, और हमारे तमाम सीरत निगारों ने इन दोनों फ़ैसलों को, इन दोनों बातों को उन्होंने हकीकत जाना हुआ है, और यही लिखा है कि ये बिल्कुल हकीकत है। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकअल्लाह।